हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी एंड चोखा, और ये सैटरडे का स्पेशल डिश होती है। तो आप लोग देखो मैं कैसे खिचड़ी चोखा बनाती हूँ। सबसे पहले चोखा बनाने के लिए मैं ये कुकर ले चुकी हूँ, और इसमें आलू जो है 3 से 4 मैं छील ली हूँ, छील कर अच्छे से धो ली हूँ और इसको कट कर चुकी हूँ। फिर इसको मैं आलू को कुकर में डालूंगी। इसमें पानी डालूंगी और इसको बंद कर दूंगी। 2 सीटी आने तक हमारा आलू जो है बॉईल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ चोखा, खिचड़ी और इसके और भी अदर चीज़ हैं, जो कि कहा जाता है कि खिचड़ी के 5 फ्रेंड्स होते हैं, मीन्स 5 दोस्त होते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कौन कौन 5 दोस्त होते हैं। तब तक आप कंटिन्यू रहिए हमारे इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, आलू मैं कुकर में डाल चुकी हूँ। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें, पानी बस इतना डालें कि आलू इसमें पक जाए। तो अब कह सकते हैं कि आधा गिलास पानी इसमें अब डाल सकते हैं। इसको 2 सीटी लगाएंगे, हाई फ्लेम पे रख के 2 सीटी इसको लगाएंगे। ये मैं गैस जला चुकी हूँ और इसको 2 सीटी लगने देते हैं। हमारा आलू जो है पक गया है। गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं। चलिए कुकर खोल लेते हैं और ये आलू जो है हमारा हो चुका है चोखा बनाने के लिए रेडी। तो इसको दूसरे बर्तन में रख देते हैं। और आलू जो है हमारा छिला और धोया हुआ था, तो इसलिए कुकर धो भी सकते नहीं भी धो सकते, मैं नहीं धो रही हूँ। इसमें फ्रेंड आप देखो, इसमें मैं अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी चावल ली हूँ, 1 मुट्ठी चने की दाल ली हूँ, 2 मुट्ठी मसूर की दाल ली हूँ। आप चावल जिससे मेजर करते हो, मिससे जिससे मापते हो या नापते हो, जो भी कर सकते हो, तो उसी चावल के जिससे नापते हो उसी बर्तन से आप डेली जितना चावल बनाते हो उसका आधा लेना, क्योंकि इसमें दाल भी ऐड करना है एक साथ, तो इसलिए आधा उसमें चावल ऐड करना और फिर दाल की क्वांटिटी इतना ही रहेगा। इसको मैं कुकर में डाल दूंगी। इसमें पानी ऐड करूंगी, पानी इतना पानी इसमें खिचड़ी में ज़्यादा पड़ता है, नहीं तो हमारा खिचड़ी जो है अंदर से जल जाएगा। पानी इतना ऐड करेंगे कि चावल और दाल जो है अच्छे से इसमें डूब जाए। और ये अगर आप लोग को नहीं पता चलेगा कि कितना पानी डालना है, तो ये देखो मैं अपनी उंगली इसमें डाल रही हूँ और ये पूरी इतनी पानी रहना चाहिए, इतना पूरा उंगली का रहना चाहिए पानी। और इसको मैं इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूंगी। जितना हम लोग दाल में नमक यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसको फ्राई करेंगे टमाटर डालकर, तो थोड़ा नमक टेस्ट में थोड़ा फीका हो जाएगा।
तो इसलिए नमक थोड़ा डेली से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये मैं नमक ऐड कर चुकी हूँ। नमक के बाद हल्दी। हल्दी तो कलर पे डिपेंड करता है, घर की हल्दी है तो कम यूज़ करेंगे, मार्केट की हल्दी है तो थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये मैं हल्दी ऐड करती हूँ। कुकर को करती हूँ बंद। गैस को जला लेती हूँ। जब तक कुकर हमारा सीटी न ले ले तब तक हाई फ्लेम पे गैस पे रहेगा। आज जैसे सीटी ले लेगा कुकर, फिर फ्लेम को सिम करेंगे। सिम करने के बाद 3 सीटी सिर्फ लगवाएंगे, ज़्यादा नहीं। 3 सीटी देगा तो ये हमारा पक चुका होगा। फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, एक बार और मैं बताना चाहती हूँ कि आलू किसी कुकर में होता है कि 2 सीटी में पक जाते हैं, किसी किसी कुकर में होता है कि 4 से 5 सीटी लगवाना पड़ता है, या फिर किसी के पानी में ही, मतलब होता है ना कि कोई पानी ज़्यादा खड़ा होता है तो सब्जियाँ या दाल जल्दी नहीं पकते हैं। तो आप अपने सीटी, अपने मीन्स के कुकर और पानी के अकॉर्डिंग ही आप सीटी लगवाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल दी हूँ कि हाँ 2 ही सीटी लगा तो 2 ही सीटी उसमें पके या न पके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप बनाते हो खाना तो आपको पता है कि आपका कुकर जो है कितने सीटी में कोई भी चीज़ बॉयल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आलू में सीटी लगवाएंगे। ओके फ्रेंड, ये हमारा तो 2 सीटी में बिल्कुल अच्छे से पक चुका है आलू। और मैं सिर्फ और सिर्फ आलू और प्याज को ऐड कर चोखा बनाऊंगी। नमक, तेल ये सब डालकर मैं दिखा रही हूँ कि कैसे चोखा मैं बनाती हूँ। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं ऐड की हूँ, इसमें बिल्कुल नहीं बैगन ऐड करूँगी। मैं दिखा रही हूँ कैसे बनाती हूँ। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। ये सीटी ले चुका है, इसको अब मैं सिम कर दूंगी। सिम करने के बाद 3 सीटी लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, 3 सीटी दे चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। और इसका जब तक सीटी निकल न जाए, मीन्स इसके अंदर का जो गैस है, वाटर वेपर है, वो निकल न जाए, तब तक कुकर को नहीं खोलेंगे। तब तक मैं इसमें फ्राई करने का जो मटेरियल है वो मैं कट कर लेती हूँ। तो खिचड़ी फ्राई करने के लिए गैस पर मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ, और ये थोड़ा हीट हो जाए तो फिर इसमें तेल डालूँगी। आप देख सकते हैं खिचड़ी फ्राई करने के लिए रेगुलर कढ़ाई से थोड़ा सा बड़ी कढ़ाई लेना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर कढ़ाई तो हम छोटा अपने अकॉर्डिंग सब्जी के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन खिचड़ी में थोड़ा बड़ी कढ़ाई रहेगी तो खिचड़ी अच्छे से फ्राई होगी और सही रहता है। कढ़ाई हीट हो चुका है, इसमें डालेंगे तेल। तेल थोड़ा हीट होगा तो उसमें जीरा डालेंगे, साबुत जीरा। 1 टीस्पून साबुत जीरा इसमें ऐड करेंगे तेल में। फ्लेम को हाई करेंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक रहा है तो उसमें 8 से 10 जो है काली मिर्च डालेंगे। ये मैं
एक बड़ा सा प्याज कट कर चुकी हूँ, दो टमाटर, चार हरी मिर्च, पांच से छह लहसुन का टुकड़ा, इस सबको मैं बारीकी कट कर चुकी हूँ। इसमें प्याज डालेंगे, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये तीनों को फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। प्याज फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं सुनहरा कलर इस पर आ गया है। इसमें ऐड करेंगे इसके बाद टमाटर, टमाटर और प्याज को कुछ सेकंड भून देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। टमाटर और प्याज भून रहे हैं तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए मैं तीन टमाटर कट कर चुकी हूँ और तीन से चार हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। हमारे यहाँ टमाटर की चटनी सब लोग बहुत खाते हैं, इसलिए मैं तीन टमाटर कट कर चुकी हूँ। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग टमाटर कट कीजिएगा। जैसा कि फिल्म में बताई थी कि खिचड़ी के जो हैं पांच दोस्त होते हैं, हम लोग मतलब बहुत पहले की कहावत या कही जाती है बातें कि खिचड़ी के पांच दोस्त होते हैं और जब तक पांच दोस्त साथ में ना हो तब तक खिचड़ी खाने का मज़ा ना आए। तो मैं आपको बताऊंगी कि पांच दोस्त कौन कौन से रहते हैं। फिलहाल तो मैं ये टमाटर और प्याज ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। टमाटर और प्याज मेरा भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर, एक टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, एक टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा ऐसे प्रेस करते हुए चलाएंगे कि टमाटर जो थोड़ा बहुत रह गया होगा वो अच्छे से गल जाए। इसमें नमक और हल्दी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि जब हम खिचड़ी बना रहे थे कुकर में तो उसी समय नमक और हल्दी ऐड कर चुके हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक उसमें ऐड कर चुके हैं। ये अच्छे से मसाला इसमें पक जाए, मीन्स अच्छे से मसाला भून जाए, इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे। अब
कह सकते हैं कि 4 से 5 चम्मच इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। फ्लेम को स्लो कर देंगे, सिम कर देंगे और इसको थोड़ा अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा देर के लिए इसको कवर कर कर रखेंगे, ढककर, सिर्फ 1 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं मिक्सर जार में रख चुकी हूँ टमाटर, मिर्ची और ये गार्लिक लहसुन, और इसी समय मैं नमक इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटर की चटनी इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो इसमें जो नमक है अपने टेस्ट से थोड़ा हल्का लीजिएगा, क्योंकि चटनी में जो नमक है ना तेज़ हो जाता है तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर आप नहीं खा पाओगे, कड़वा लगने लगता है। इसलिए इसमें जो नमक है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम लीजिएगा। तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दी। अब मैं इन सबको मिक्सी में पीसूंगी। चटनी हमारा पीस चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है, देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन कलर दिख रही है चटनी। इसको बॉल्स में रख लेंगे। चलिए चेक करते हैं कि हमारा मसाला हो चुका है कि नहीं, और मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मसालों से तेल छोड़ चुका है, देख सकते हैं कि मसालों से तेल छोड़ चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खिचड़ी। खिचड़ी को चेक कर लेते हैं कि खिचड़ी हमारा हुआ है कि नहीं, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा खिचड़ी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं अब खिचड़ी ऐड करूँगी। क्या लजीज खिचड़ी बनी है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिलाएंगे। मैं थोड़ी खिचड़ी रहने देती हूँ क्योंकि एक मेरा छोटा बच्चा है जो कि फ्राई किया हुआ खिचड़ी नहीं खाता है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, खिचड़ी को ऊपर से नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खिचड़ी को 5 मिनट ढक कर पकाएंगे हाई फ्लेम पर। तो इसके लिए थोड़ी सी इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि खिचड़ी काफ़ी थिक लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक लग रहा है, तो इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा पतला खिचड़ी नहीं सही रहता है। ठीक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को करेंगे हाई और इसको ढक कर पाँच मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अंदर खिचड़ी जो है जलने लगेगा, इसलिए सिर्फ 3 मिनट इसको ढककर छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। तब तक चलिए चोखा बनाते हैं। देख चेक कर लेते हैं खिचड़ी हमारा अच्छे से मिल चुका है कि नहीं। देखिए फ्रेंड, खिचड़ी अच्छे से मिल चुका है। आप उसमें मसाला, फोरन, पानी, ये सभी आपस में मिल चुके हैं। खिचड़ी सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है, देख सकते हैं क्या लाजवाब खिचड़ी बनी है।
फ्लेम को करते हैं अप और चोखा रेडी करते हैं। चोखा के लिए मैंने दो ओनियन छोटा छोटा कट कर लिया। अब देख सकते हैं कि जो आलू मैं बॉयल की थी वो आलू है, इसको मिक्स कर देंगे ओनियन में। इसमें दो हरी मिर्च कट करेंगे, नमक ऐड करेंगे, प्याज और आलू ऐड कर चुके हूँ, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद तेल ऐड करूँगी, दो चम्मच या एक चम्मच आप तेल ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद है। तेल हमेशा घर का या फिर मिल पर का खरीदा हुआ सरसों का तेल यूज़ करें चोखा में। बाहर मार्केट का जो तेल मिलता है वो ना यूज़ करें, क्योंकि चोखा में अगर मार्केट का तेल यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट जो है कड़वा लगता है, जो हम खा नहीं पाते हैं, फिर सारा चोखा वेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तेल घर का या मिल का, तो आप बिना तेल का चोखा बनाएं। आधा चम्मच कर सकते हैं, हाफ टीस्पून इसमें आमचूर पाउडर डालें, मीन्स खटाई ज़्यादा नहीं डालें, ना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, इसलिए हाफ टीस्पून या उससे भी कम आप डाल सकते हैं, अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो। ज़्यादा पसंद है तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें लहसुन और मिर्ची नहीं अभी डाली हूँ, क्योंकि इसको मिक्स करने के बाद मैं बच्चों के लिए निकाल लूँगी, उसके बाद लहसुन और मिर्ची ऐड करूँगी। बच्चे प्याज तो खा लेते हैं लेकिन लहसुन और मिर्ची नहीं खा पाते हैं। देखिए फ्रेंड, चोखा जो है अच्छे से मैश चुका है, और देखिए आप पूरा अच्छे से चोखा मैश हो गया है। इसमें मैं बच्चों को निकाल देती हूँ। इसमें ये मैं 8 से 10 जो लहसुन की कलियाँ उसको कट कर चुकी हूँ, और 2 हरी मिर्च, इसको मैं अब मिक्स कर दूँगी। और इसको अब मैं हाथ से नहीं मिक्स करूँगी, इसको मैं अब चम्मच से मिक्स करूँगी। चम्मच से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि नीचे डालने के बाद हाथ लगाऊंगी तो फिर मेरे हाथ में जलन फूकने लगेगा। आप अगर मैसर रखें तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, उससे भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं मैसर वैसे नहीं यूज़ करती हूँ, मैं पुराने तरीके से ही खाना बनाती हूँ, हाथों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मसाले के लिए सिर्फ एक मिक्सी रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर सील रखना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो जैसे हमारे घर में गांव में खाना बनता है वैसा ही मुझे पसंद है, और वही टेस्ट भी पसंद है। टेस्ट तो वही रहता है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता है जहाँ हम रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, खिचड़ी रेडी हो चुका, चोखा रेडी हो चुका, और ये आप देख सकते हैं चटनी रेडी हो चुका। तो खिचड़ी के दो फ्रेंड तो रेडी हो चुके हैं, एक फ्रेंड क्या है खिचड़ी का मैं दिखा रही हूँ क्या है, और एट लास्ट में तो फिर मैं दिखा रही हूँ कि 5 कैसे होते हैं। खिचड़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल मैं रेडी कर चुकी हूँ। देखिए मैं इसे एक थाली में निकाल चुकी हूँ, और ये रहा चोखा, चिप्स घर का ये चिप्स है, आप मार्केट से भी खरीद कर अब तेल तल सकते हैं, या फिर पापड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो दो दोस्त ये हो गए, चोखा और चिप्स, और एक दोस्त हो जाएंगे खीर। तो 1 चम्मच मैं इसमें घी ऐड करूँगी। उसके बाद घी ऐड करने के बाद मैं चटनी इसमें ऐड करूंगी। फ्रेंड, अगर आप धनिया का
का भी चटनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर टमाटर धनिया लहसुन और मिर्ची की चटनी बनाना चाहते हैं तो भी अच्छा टेस्टी होता है। हमारे पास धनिया नहीं था सो मेरे पास जो था मैं उसी में ये डिश जो है मैं रेडी की हूँ। अगर आप खिचड़ी में भी धनिया डालना चाहते हैं तो आप धनिया को कट कर रखे रहेंगे, जब खिचड़ी हमारा रेडी हो जाएगा तो उसके बाद कढ़ाई में ही धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड हुआ ना खिचड़ी के पांच दोस्त, चटनी घी ये दो हुए और एक हुए चोखा और ये हुआ चिप्स या पापड़ और एक खिचड़ी, मिलकर हो गए फाइव फ्रेंड्स और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी ऐसी खिचड़ी बनाइए और खाइए। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद हुई कि आपको ये खिचड़ी की डिश पसंद आई होगी और आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा कि कैसा टेस्ट था, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कैसा आप लोग का खिचड़ी बना था, खिचड़ी और खिचड़ी के चार दोस्त और खिचड़ी को मिलाकर पांच दोस्त। और ये हमारे भारत में जो है हमेशा मीन्स कि प्राचीन समय से ही खिचड़ी को लोग सैटरडे को बनाते हैं और ये सैटरडे का फेवरेट डिश है, खिचड़ी चोखा पापड़ चटनी घी ये सब कुछ। तो आप लोग भी बनाइएगा खाइएगा और मज़ा लीजिएगा लजवाब खिचड़ी का। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ लजवाब में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।